की तो बात थी जीजी, गाड़ी क्या खड़ी कर दी सकीना बाजी के घर के बाहर कि हजार बातें सुना दी। कह रही थी कि शांति भाभी के घर के बाहर भी तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। क्यों खड़ी कर देते? अरे अब वो बताएंगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है कहाँ नहीं। अरे हमारा आंगन है, ये हम बताएंगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी और कहाँ नहीं। जी जी, दो चार दिन की तो बात है। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पूछना तो चाहिए था। अरे हम कौन सा मना कर देते। अरे हम इतने तंग दिल नहीं है पारो इस मिर्जा फैमिली की तरह। ये बात तो सही है जी जी, सकीना बाजी की प्रॉब्लम ये है कि वो इस साल ईद पे नई गाड़ी ले रही हैं। नई गाड़ी? अरे नई गाड़ी तो हम भी लेने वाले हैं, बस अभी दो चार दिन में या फिर दिवाली तक ले लेंगे। अच्छा, वो कह रही थी कि इतनी लंबी गाड़ी लेंगी कि दो आंगन कम पड़ जाएंगे गाड़ी खड़ी करने के लिए। अच्छा, अरे पिछले 3 साल से तो हम ही सुन रहे हैं कि हम गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी लेंगे। अरे गाड़ी क्या, गाड़ी की फोटो लेने की तो औकात है नहीं उनकी। हमारे आंगन में गाड़ी खड़ी करके तो देखें। अरे हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कह नहीं सकते। बड़े आए गाड़ी खरीदने वाले, 10 साल से सुन रहे हैं, ये तो वही बात हो गई। ये कह कह के दिल हम बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। गाड़ी खड़ी करके तो दिखाएं हमारे आंगन में, हम भी देखें। कह देना उनसे बड़े देखे हैं गाड़ी खरीदने वाले, अरे घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने, गाड़ी खरीदेंगी। आज गाड़ी खड़ी करने की जगह को लेकर ये लोग इतना फैल रहे हैं। कल को जब बिजली का खंबा लगने की बारी आएगी तो क्या होगा? सुनो, ये नई गाड़ी किसकी है जो अपनी तरफ खड़ी है? पारो की। गजब। बताओ जरा, नौकरानी है और दो दो गाड़ियां हैं, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अबे यार। अरे गाड़ी उसने खरीदी है, शर्म हमें क्यों आएगी? वो इसलिए कि इतने साल हो गए और तुम हमको एक गाड़ी का सुख तक नहीं दे पाए हो। भगवान, ले लेंगे। कब? जब हम मर जाएंगे? हमारी अर्थी रखकर ले जाना गाड़ी पे। उसके पहले ही ले लेंगे। ऐसा है मिश्रा जी, सकीना ईद पर नई गाड़ी लेने की सोच रही है, उससे पहले हमारे घर में नई गाड़ी आ जानी चाहिए। अरे इतने सालों से वो लोग सोच रहे हैं, ले कहाँ पा रहे। लेकिन तुम ना सोचो, तुम खरीद लो। लोगों की कुंडली से 7.5 साथी 14 साल में टल जाती है, लेकिन हमारी कुंडली में 7.5 साथी ऐसी आके बैठी है कि जान ले कि ये ग्रह दशा टलेगी, पता नहीं टलेगी भी कि नहीं। हमारे बच्चे राहु केतु, बच्चे कम हैं, अपनी अम्मा के वकील ज्यादा हैं। बस काम धाम तो कुछ है नहीं, जब देखो तब कुंडली लेके बैठ जाते हो। भाग तुम्हारे नहीं, भाग तो हमारे फूटे हैं। अरे कुंडली बाँचने बाँचने से कुछ नहीं होने वाला, जाओ दुकान जाके कत्था चूना रगड़ो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जब किस्मत में लिखे हो कोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पनीर के पकौड़े। नानी, हमारी कुंडली है या किसी से बदल गई है? यही कुंडली देख के हमारी शादी हुई थी। अभी अपनी जन्म कुंडली छोड़ो और जाके अपनी कर्म कुंडली संभालो, निकलो दुकान बहुत तेज। जितनी देर में कुंडली बाँची है ना, उतनी देर में सारे घर का झाड़ू पोछा हो चुका होता। सकीना हमें बता रही थी कि उसके सुबह उठने से पहले मिर्जा भाईजान पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर चुके होते हैं, और एक तुम हो। झाड़ू पोछा से छुटकारा मिले उसी का उपाय ढूंढ रहे हैं। झाड़ू पोछे से छुटकारे का उपाय ढूंढ रहे हो या हमसे? अब फटाफट अपने कुंडली का कारखाना उठाओ और निकलो। दोष कुंडली में नहीं, दोष तुम में है। तुम्ही में है। गौतम से छुटकारा मिल सकता है, मगर तुमसे इस जन्म में मिलना मुश्किल लगता है। तुमने कुछ कहा? अरे तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा है? एक तो 2 दिन से मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है, और तुम हो कि तब से मेंढक की तरह टर 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 बस बोले जा रहे हो। भरे बैठे हैं मिश्रा जी, बता दे रहे हैं, तुम भी समझ लो। आत्मसमर्पण। अरे भगवान, काहे ज्वालामुखी की तरह फटी जा रही हो? कल से पारो नहीं आ रही है, चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब हम ही कर रहे हैं, तुम्हारी नाका हिंडोला वाली जिज्जी आके नहीं करती है। जरा सा कुंडली क्या लेके बैठ गए, बातें सुनाने लगी। तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं मिश्रा जी, सिवाय बातें बनाने के। इससे पहले कुछ कह दे, निकल लो दुकान। शादी,
बिंदी बदले बड़े मिश्रा जी। कहिए छोटे मिश्रा जी। एक सवाल पूछिए। पूछिए। ये जो गरम मसाला होता है उसको अगर फ्रिज में रखो तब भी ये गरम क्यों रहता है? अब वो गरम मसाला। अच्छा चलो ये बताओ कि ये पानी गीला क्यों होता है या आसमान नीला क्यों होता है? बेटा रहम करो हम पर, तुम अपना काम करो, तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे दुकान जाना है। बताओ फिर टीचर कहती है कि बच्चे सवाल नहीं पूछते। पहले दुनिया में मुर्गी आई या अंडा? खंबा। खंबा? खंबा? हाँ खंबा। लो फिर और सुन लो। अरे पढ़ाई कर रहे हो या पंचायत कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, पापा को झाड़ू पोछा करना है। अरे गुड्डू निकलो। अच्छा मम्मी एक बात बताइए, आप ये घर के सारे काम पापा से ही क्यों करवाती रहती हैं? ऐसा है बेटा, ज्यादा कचहरी ना लगाओ यहाँ पे, किताब पकड़ो और निकलो यहाँ से, बड़े आए पापा के वकील बनने वाले। चलो चलो जल्दी करो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हेलो। हाँ मौसी प्रणाम। हाँ कैसी हैं? अरे क्या बताएं मौसी, एक तो यहाँ दो दिन से बिजली नहीं आ रही है और ऊपर से ये बिजली विभाग वाले अपना खंभा लगाने आ रहे हैं। अरे कोई बताए इनको कि बिजली दो भाई, खंभा काहे लगा रहे हो? हाँ मौसी, एक तो इतना सारा काम और ऊपर से गर्मी, अरे झाड़ू पोछा कर करके कमर टूट गई है बिल्कुल। अरे निचोड़ के रख दिया है झाड़ू पोछे ने। सुबह शाम झाड़ू पोछा करो फिर दुकान जाके कत्था चूना रगड़ो, कहीं नहीं समझ लिया है, जब देखो तब रगड़ देती है। बड़ी मौसी की सगी बनी है, इनकी कमर टूटी जा रही है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चलेगा, काम हम कर रहे हैं वाह, तुम लूट रही हो। अच्छा तो बता दे उनको कि तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो। ऐसा है मिश्रा जी, जो बात छुपी है ना उसको छुपी रहने दो, कम से कम हमारे घर वालों के सामने। और तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे तुम्हारे ही मिर्जा साहब कहते हैं कि घर में झाड़ू पोछा करने से घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है, तो दिखाओ अपना हुनर। हाँ हाँ दिख रही है, हरकत भी दिख रही है और बरकत भी दिख रही है, अब क्या हमारी खोपड़ी में खड़ी रहोगी? आप समर्पण। हे भगवान, जाओ हमें मौका तो दो टैलेंट दिखाने का। जरा रगड़ के। बैली क्या बताएं, इतने सालों से वनवास भुगत रहे बिना धनुष तोड़े, दुकान कैसे चलेगी? मिर्जा कह रहे हैं। अरे वो कहते अभी जब चादर धो रहे थे पैर पिछले साबुन से, चादर ऊपर हम नीचे और अब सामने। वाह मियाँ वाह, पेटी कोट धोते धोते चादर धोने लगे, मुबारक हो मियाँ, आपके बालों में कपड़े धोते धोते सफेदी भले ही उतर आए मगर आपकी बेगम के हाथों की मेहंदी ना छूटे। मैं तो कहती हूँ मियाँ दो चार घर और पकड़ लीजिए, रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी, बेशर्म कही के सारा मोहल्ला देख रहा है।
अम्मी दरअसल बिजली नहीं है ना, तो गुसल खाने में अंधेरा था तो हम कपड़े बाहर ही धो रहे थे। ना आप तो जानती हैं अम्मी की बेगम खुद ही धो लेती है ना कपड़े मशीन से। अब मशीन की क्या जरूरत है मियां? कोई कह रहा था कि आपके हाथों में जो हुनर है ना, उसके आगे तो चाइना की मशीन भी फेल है। ना मुराद कहीं के लाहौल मिला कुवत। गलत वक्त पे आ गई अम्मी जान। मियां, आपने कपड़े धुल दिए और आपकी अम्मी जान ने हमें, वो भी बिना वॉशिंग पाउडर के। अब आप बाकी का झाड़ू पोछा संभालिए, हम देखते हैं ये पारो कहाँ है। ना मुराद हमेशा छुट्टी मार जाती है और काम सारा आपको करना पड़ता है। अम्मी देख लीजिए, इनाम ने सारी बैटरी खत्म कर दी खेल खेल कर। अभी तो बिजली भी नहीं आ रही, हमें वर्चुअल क्लास अटेंड करनी है। इनाम, जोया को फोन दीजिए और आप दुकान जाइए अबू के साथ, दुकान का इन्वर्टर घर लेकर आइए। बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अबू, हम अकेले कैसे लाएंगे इन्वर्टर? हाँ छोटे नवाब, आशिक के साथ भिजवा देंगे। आइए आइए आइए। ₹2000 मिल गए। अरे कौन है आप? अरे ये क्या तरीका है? अरे हम सरकारी मुलाजिम है, कोई आपकी जोरू नहीं कि हाथ खींच कर सीधे अंदर लेकर बैठा दिया। अरे ये लखनऊ है, अदबो अदब का शहर। अरे यहाँ तहजीब और संस्कार नाम की भी कोई चीज है। अरे यहाँ गाली भी देते हैं ना, तो नजाकत तो नफासत के साथ। ये क्या बेअदबी है? इंजीनियर साहब, हम इसे अपनापन कहते हैं। अपनापन? आप हमारे जीजा जो ठहरे। लो कर लो बात, आप अपनी बहन के घर के बाहर बैठे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके जीजा हैं? अरे आपके जीजा ही हैं। सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़े क्या कक्षा 5 में? तो अब बताइए क्या करें, रक्षाबंधन मनाए? और क्या, आप पहली बार अपनी बहन के घर आए हैं, हम कब से दरवाजे पर आपके लिए इंतजार कर रहे थे, पलके बिछाए। अरे शांति, देखो तुम्हारे भैया आ गए। एक और बहन? दीदी नमस्ते। अरे शांति, ये इंजीनियर साहब हैं, सुबह से मोहल्ले में भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने तो आपकी बहन से पहले ही कह दिया था कि इंजीनियर साहब को बिना खाना खिलाए नहीं छोड़ेंगे। खाना दे दो, कहाँ से दे दो? कल का बासी खाना पड़ा हुआ है फ्रिज में। हाँ है, तो बस वही गर्म करके दे दो। क्यों? अरे लगने वाले खंभे की खातिर। हाँ ठीक है। इंजीनियर साहब, हमारी धर्मपत्नी मतलब आपकी बहन ने आपके लिए स्पेशल जीरा पुलाव, शाही पनीर और देसी घी का हलवा बनाया है। सरकार भोग लगाइए। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिमाग का रास्ता दिल से नहीं पेट से होकर जाता है। ये आदमी अपनी जेब में है। तुम ही तो कहते हो कि रात का बासी खाना कुत्तों को डाल दिया करो, देखा कितना काम आ रहा है। रंग लगे ना फिटकरी और रंग भी हो गया चोखा। भैया जी और लाए? नहीं दीदी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इंजीनियर साहब, आपकी बहन कह रही थी कि खंबा मोहल्ले में कहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे घर के सामने नहीं लगना चाहिए। क्यों, कोई दिक्कत है बहन को? नहीं नहीं नहीं, बहन को कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर खंबा हमारे घर के सामने लग गया तो आपको आपके जीवन से और हमें हमारे घर से उखाड़ फेंकेगी। वो औरत नहीं, सुनामी है, सुनामी अपने पे आ गई ना, तो ये जो आपका लेना लेना है ना, ये सिर्फ देना देना रह जाएगा।
इंजीनियर साहब, आपकी बहन को खंबे से एलर्जी है, वास्तु दोष समझते हैं ना? तो खंबा देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए खंबा अगर हमारे घर के सामने ना लगे तो अच्छा रहेगा। सुनिए, मिर्जा के घर के बाहर लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए भाई साहब, ये सरकारी काम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके ही हाथ में तो है। कितने से? आप अभी कह रहे थे ना कि सिर्फ लेना ही लेना है, तो आगे भी तो आपको लेना ही है। अब देखिए, आप तो अपने हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब बहन माना है तो फिर सरकारी महकमा क्या, हम तो सरकार से भी लड़ जाएंगे, लेकिन खंबा आपके यहाँ नहीं लगने देंगे। समझदार है। हम चलते हैं। दीदी को नमस्ते कहिएगा। जीजा जी नमस्ते। शांति, चलो देखते कौन छीनता है हमसे हमारे हिस्से का खंभा। जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वाह वाह, वैसे ही खंबे खंबे पर लिखा होता है कि किसके घर के आगे लगेगा। अमा यार, ये क्या है, ये कोई शायरी है? तुकबंदी नाम की कोई चीज होती है? खाना दाना। और सुनो मिर्जा, खंभा लगेगा तो मिश्रा के घर के आगे। मिर्जा के घर के, मिश्रा के, मिर्जा के, देख लेंगे, देख लीजिए। अरे देखते रहो, आप भी देखते रहो, तुम देखते रहो, आप देखते रहिए। अमा जिस दिन हमने आपके तक का जवाब ढूंढ लिया ना, कसम खुदा की बहुत पछताएंगे आप। ढूंढते रहो। पीजिए मियाँ, पीजिए मिर्जा की मुफ्त की चाय, पीजिए, पीजिए मियाँ, पीजिए। अरे भाई साहब इधर आइए, मुफ्त की चाय पीजिए हमारी। सलाम मामू। अरे सलीम काटा भांजे। सूंघिए मियाँ, असली दूध की चाय है, इलायची और अदरक अलग से डाली है, तसल्ली से पीजिए। पीजिए, आप नहीं, आप ही। क्या बात है मामू, एक और निकाह पढ़वा रहे हो क्या, जो इतने प्यार से मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय पिला रहे हो? बोल लीजिए बेटा, बोल लीजिए। खंबे का मसला ना होता तो कसम खुदा की इस गुस्ताखी पर मसल के रख देते आपको। ये सब कौन सा हमें छाती पे लेके जाना है मियाँ, जो कुछ है आप लोगों का ही तो है। आशिक और बनाओ चाय। मामू, क्या रुसती थी तैयारी कर रहे हो क्या, दोजक के गुनाह कम करने के लिए मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय? चलो काम तो अच्छा है, कम से कम मोहल्ले वालों को मुफ्त में चाय तो मिल रही है। मामू, आप इतनी मेहरबानी की है तो एक छोटा सा काम और कर दो। बताइए भाई। वो हमारा पुराना वाला जो हिसाब है ना, उस पे लकीर मार दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे। मार देंगे भांज, लकीर मार देंगे। नमस्कार मिश्रा जी। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपके लिए स्पेशल मीठा पान, वो भी फ्री। फ्री? हाँ। तबीयत ठीक है? जी हाँ, आज आप जो कहेंगे वो मिलेगा। सब कुछ? जी हाँ। तो ऐसा करिए, हमारा जो पुराना हिसाब किताब है सब जीरो कर दीजिए, दरिया दिली छींटे मारिए हमारे मुंह पे। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आपका सारा खाता माइनस में कर देंगे, फिर हमेशा खाते रहिए फ्री में पान। कर दीजिए। कर दिया। खाने पीने की चीजें तो शादी में मुफ्त में बहुत खाएं, मगर आज मोहल्ले में पान और चाय मुफ्त में मिल रही है, जरूर कोई बड़ा खेल होने वाला है गुरु। बेटा खंबे का खेल ना होता तो तुम सबको चूने लगा कर ऐसा पेलते कि बुढ़ापे तक कराहते रहते। ये लो सलीम काटा, तुम भी फ्री में पान खाओ, क्या याद करोगे है? क्या बात है मिश्रा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भौजाई मायके चली गई क्या? लौंडे बड़ी चिकाई ले रहे हैं तुम्हारी। अबे मिश्रा, ये बताओ आज वो मोहल्ले का टॉप छिछोरा पप्पू पांडे कौन नहीं नजर आ रहा है? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अभी खंबे वाला मैटर नहीं निपटा पाए, नया रायता लिया घूम रहा कोई। देखा जाए। हाँ, अरे
इंजीनियर साहब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, अरे हम कब के आ गए, आप भी आ जाइए। अरे बाकी सब कुछ हम सेट कर देंगे। अरे हमारे मोहल्ले में किसी को पैसा नहीं चाहिए। जी नेताजी, आपके लिए स्पेशल केसर का ठंडा पान, बड़ा इंतजार कराया आपने। हम अपने घर के आगे खंभा लगवा लेंगे। खंभा हम लगवाएंगे अपने घर के आगे, पान बाद में, पहले मलाई वाली चाय। नेताजी पान। अबे का है इसको इतना खोपड़ी में चढ़ाए हो तुम लोग, का अपना फूफा बनाना है क्या इसको? अबे ये फ्री में महंगा है, फ्री में तुम्हारी भैंसे खोल ली क्या हमने? इतना गोबर करे दे रहे हमारे ऊपर, दिक्कत क्या है चच्चू तुम्हारी? खा रहे हो ना खाने दे रहे हो? अबे दो दिन से मोहल्ले में खंभा तो लगवा नहीं पा रहे हो, क्या उखाड़ने आए हो अभी यहाँ पे? अगर तुमको फ्री का फिनाइल मिल जाए ना तो लस्सी समझ के पी जाओ, ऐसे नेता हो तुम टकैल कहीं का। चक्कू पाड़े अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। खंभा मोहल्ले में लगेगा आज के आज, जहाँ हम चाहेंगे ना वहाँ लगेगा। अबे तीन दिन से खंभों में बत्ती तो आ नहीं रही है, अब ये खंभा तुम लगवा रहे हो क्या? बुलबुल पालोगे इसमें कि हमारी चड्डी बनियाइन सुखाओगे? हमारा काम खंभा लगवाना है, बिजली देने काम बिजली विभाग का है। तुम्हारी कहें आते फड़फड़ा रही हैं, दिक्कत खंभे से है कि हमसे है? अबे खंभे से तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, और तुमका हम अपने लेबिल का समझित नहीं है। हम तुमका बस देखो ये मोहल्ले में पनपे ना दे इतना समझ के चलो। अगर विरोध करना है ना तो जब खंभा लग के उसमें तार लग जाए और करंट दौड़ने लगे तो दोनों हाथ पकड़ के लटक जाना। जाने कब नौ मन तेल होई कब पारो नचिए। खंभे से किसी को दिक्कत नहीं मोहल्ले में, ये अकेली पनौती हैं जिनको दिक्कत है। अरे मोहल्ले में खंभा लगेगा तो पूरा मोहल्ला रोशन हो जाएगा। गाड़ी आ गई, ए हटो। अरे 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 अरे, चाय पी गए? देख रहे हो मिर्जा, ये मोहल्ले वाले किसी के नहीं है, ये तो वो लोग हैं कि खाए पिए खिसके हम सगे किस। आइए मिश्रा जी, आइए 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 आइए। अब हम आग्रह करेंगे आपके मोहल्ले के भावी पार्षद श्री पप्पू पांडे जी से कि वो आए और फीता काट करके इस खंभे का उद्घाटन करें। दो शब्द है, दो शब्द भोकार तेल दे। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री पप्पू पांडे जी से कि वो आपके मध्य दो शब्द रखें। दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिना आपके सहयोग से और हमारे अथक प्रयास से यह संभव नहीं था। आखिरकार मोहल्ले में ये बिजली का खंभा लग ही गया, और हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द हम मोहल्ले में मोबाइल का टावर भी लगवाएंगे। लपेट लपेट टावर। अभी खंभा में न तार बंधे न करंट आवा, ये अगली बार टावर लगवाएंगे, ओके अगली बार ट्विन टावर लगवाएंगे। नेताजी वैसे सम्मान तो आपका भी होना चाहिए, कहो तो जाके मोर्चा संभाल ले। अबे मेरे छोटे कांटे, देख रहा हो कितनी लंबी लंबी पेल ला, एक पहले पेल लेन दो पूरी फिर बताएंगे। और अब हम निवेदन करते हैं इंजीनियर साहब से कि एक आध शब्द आप भी कहें। तानिया साथियों, ये खंभा नहीं है। खंभा नहीं है मतलब कि ये बिजली का ऐतिहासिक खंभा है, जिसको लगवाने में असली योगदान है श्री पप्पू पांडे के विरोधी बिट्टू कपूर जी, जिन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि इस मोहल्ले में खंभा लगा कर दिखाओ, और हमने खंभा लगा दिया।
क्या बात है। अबे बिना बिल्डिंग लगाए ये सब क्या हो गया? नारेबाजी चालू करो, रुकनी नहीं चाहिए नारेबाजी चालू करो। तो तुम संघर्ष करो। तो अब हम गुजारिश करते हैं आपके मोहल्ले के भावी विधायक श्री बिट्टू कपूर जी से कि वो आए और आपके मध्य दो शब्द रखें। तालियां। आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो हमको ये सम्मान दिया। और आप लोगों का तो पता है कि हम कोई फर्जी नेतागिरी तो करते नहीं, हम तो इस मोहल्ले के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अल्लाह इनको कोई कहे कि भाषणबाजी बंद करे और खंबे के 50,000 रुपए दे दे, खंबा चाहे गाड़े चाहे ना गाड़े। सुनो, कल तक तो ये लोग खंबा लगने के बीच में दीवार बने हुए थे, आज देखो पता नहीं कितना फ्री का पान खा गए। फालतू की बहस करने ये नहीं मुद्दे पे आए। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस खंबे में असली योगदान मिश्रा फैमिली और मिर्जा फैमिली का है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दाना डाले चिकन खाएंगे बिट्टू कपूर। इंजीनियर तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर तो हम करवा के रहेंगे। तो फोटो भी छप गई तुम्हारी। नेता जी वैसे भी हमारे दिन पूरे हो गए हैं, ये आपने जो रायता फैला रखा है ना उससे हमारी नौकरी तो बचेगी नहीं, वो तो समझे चली गई। और ये खंबा भी हमारा आखिरी है, अब तो हम चले जयराम जी की। अरे को कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हैं? हमको ये तो बता दीजिए कि खंभा लगने पे जो 50,000 मिलने हैं वो कब और कैसे मिलेंगे। हाँ, वरना कल आप भी हमारी तरफ बदल गए तो। ज्वाइंट अकाउंट है। नहीं तो फिर खुलवा लीजिए। जॉइंट अकाउंट, ये बड़ा मसला हो गया है। सोचो कुछ होता कुछ है। अब बताओ मिर्जा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या? पैसे नहीं चाहिए? 25,000 आएंगे अपने खाते में। क्यों बाबूजी? बस ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहो। पता भी है जॉइंट अकाउंट क्या होता है? अब जब तक वो मिर्जा भाईजान नहीं चाहेंगे तब तक तुम उस अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते। अब वो चाहेंगे ही क्यों, है ना बाबूजी? चिंता मत करो भगवान, इस बार जितनी डोर उनके हाथ में है ना उतनी ही हमारे हाथ में भी है। हम भी तो वो कर सकते हैं कि नहीं? क्यों बाबूजी? लेकिन करोगे नहीं। तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपने घर का भी उठा के मिर्जा भाईजान को दे आओ। तो क्या करें, 50,000 रुपए के लिए मिर्जा का खून कर दें? बताओ बाबूजी, कर दें? नहीं नहीं, अपने हिस्से का भी जाकर मिर्जा भाईजान को ही दे आओ, ये अच्छा रहेगा। वो सकीना है ना, जितनी अच्छी दिखती है ना उतनी अच्छी है नहीं। अरे मीठी छुरी है वो, मीठी छुरी। क्यों बाबूजी? हाँ?